हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर के दबंडर किचन में। फ्रेंड्स, आज बनाएंगे ब्रेड की मिठाई। ब्रेड की मिठाई बनाने के लिए मैंने ब्रेड लिए हैं और ये मैंने कुछ इसमें ड्राई फ्रूट लिए हैं। इसमें मैंने बारीक कटे हुए बादाम ले लिए हैं और ये बारीक कटे हुए मैंने इसमें काजू लिए हैं और ये मैंने इलायची के दाने लिए हैं थोड़े से। एक चुटकी फूड कलर लिया है, ऑरेंज फूड कलर। इसमें ये मैंने थोड़ा सा मिल्क पाउडर लिया है और इसमें ये मैंने 4 चम्मच फ्रेश मलाई ली है। ये बिल्कुल ठंडी मैंने फ्रिज से निकाली है। ब्रेड की मिठाई बनाने के लिए मैंने आधी कटोरी चीनी ली है इसमें और इसमें मैंने आधा कटोरी नारियल का बुरादा लिया है। ब्रेड की मिठाई बनाने के लिए मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। चलिए अब ब्रेड की मिठाई बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड की मिठाई बनाने के लिए ये ब्रेड को इस तरीके से गिलास की हेल्प से गोल शेप में निकाल लेंगे। देखिए इसी तरीके से सारे ब्रेड को कट कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से इसकी शेप निकल के तैयार हो गई है। इसी तरीके से सारी शेप्स को तैयार कर लेंगे। सारे ब्रेड मैंने तैयार कर लिए हैं ब्रेड की मिठाई बनाने के लिए। आप ये इसकी कटिंग को वेस्ट नहीं करेंगे, इसे आप किसी भी यूज़ में ले सकते हैं। अब ब्रेड के लिए क्रीम तैयार करेंगे। इसके लिए ये मिल्क पाउडर फ्रेश मलाई में डाल देंगे। और इसमें ये थोड़े से काजू डल जाएंगे और इसमें थोड़े से ये बादाम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके एक अच्छे से क्रीम बना के तैयार कर लेंगे मलाई। देखिए कितने अच्छे से मलाई तैयार हो गई है ब्रेड की मिठाई के लिए। अब इसमें थोड़ा सा ये नारियल पाउडर डल जाएगा और इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लें। ब्रेड की मिठाई बनाने के लिए क्रीम तैयार हो गई है। अब इसे फ्रिज में रख देंगे 5 मिनट के लिए। ब्रेड की मिठाई बनाने के लिए 1 गिलास छोटा कढ़ाई में पानी डालेंगे। कढ़ाई मीडियम आंच पे अच्छे से गर्म हो गई। इसमें ये मैंने चीनी डाल दी है। चीनी को अच्छे से चलाते रहें लगातार। अब इसमें ये इलायची के दाने डल जाएंगे और साथ में इसमें ये ऑरेंज फूड कलर भी डाल देंगे और इसे अच्छे से चला दें। इसकी तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस हल्का सा इसको पका लें। चाशनी को लगातार चलाते रहना है। 2 मिनट में चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए चाशनी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसे थोड़ी देर और पका लें। इस तरीके से चाशनी को बनाना है। अब गैस को बंद कर देंगे और चाशनी को अच्छे से बिल्कुल ठंडा कर लें ब्रेड की मिठाई बनाने के लिए। 5 मिनट के बाद ये मैंने फ्रिज से निकाल ली है जो मैंने मलाई तैयार की थी। आप इसे मलाई, क्रीम, स्टफिंग कुछ भी बोल सकते हैं ब्रेड की मिठाई बनाने के लिए। अब ब्रेड के बीच में मलाई को इस तरीके से भरेंगे, अच्छे से बीच में चारों तरफ लगा देंगे मलाई को ब्रेड के बीचों बीच इस तरीके से। ब्रेड को फिर इसके ऊपर से इस तरीके से तैयार कर लेंगे। चारों तरफ से इसे हल्का सा दबा देंगे। इसी तरीके से अब दूसरे ब्रेड में भी मलाई को भरेंगे ब्रेड की मिठाई बनाने के लिए। चारों तरफ से अच्छे से इसमें पेस्ट कर लेंगे और फिर इसे दूसरा ब्रेड रख के अच्छे से चारों तरफ से दबा देंगे। इसी तरीके से सारी ब्रेड की मिठाई में मलाई को भर देंगे अच्छे से और फिर इसके ऊपर से ये ब्रेड लगा देंगे। सारे ब्रेड को अब इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। सारे ब्रेड में मैंने अच्छे से मलाई को भर लिया है। ये जो मैंने चाशनी तैयार की थी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब ब्रेड की मिठाई को इस तरीके से इसमें डीप कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से ब्रेड की मिठाई को बना के तैयार करेंगे चाशनी में। अच्छे से ब्रेड की मिठाई बन के तैयार हो जाएगी। अब इस तरीके से दूसरे ब्रेड को भी
ठंडी चाशनी में डीप कर देंगे और इसको इस तरीके से हल्का सा निचोड़ के निकाल लेंगे। सारी मिठाई को इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सारी मिठाइयाँ मैंने चाशनी में अच्छे से तैयार कर लिए। देखिए कितने अच्छे से मिठाइयाँ बनके तैयार हुई हैं। गोले के बुरादे में सारी मिठाइयों को अच्छे से तैयार कर लेंगे। सारी कटे हुए बादाम लगा देंगे इस तरीके से सारी मिठाइयों पे बादाम लगा देंगे और ये इसके ऊपर से काजू भी अच्छे से लगा देंगे। आप इस मिठाई में चेरी भी लगा सकते हैं। मिठाइयाँ देखने में और भी अच्छी लगेंगी और खाने में तो बहुत ही अच्छी लगेंगी। फ्रेंड्स, काजू बादाम लग के कितने अच्छे से मिठाइयाँ तैयार हो गई हैं, कितने अच्छे से मिठाइयाँ बनके तैयार हो गई हैं आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से कितने अच्छे से अंदर इसमें क्रीम लग गई है और ये बहुत अच्छे से मिठाई बनके तैयार हो गई है। आप मेरे तरीके से एक बार मिठाई बना के ज़रूर देखें। आपको मिठाई की रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में लिखें ब्रेड की मिठाई की रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।